अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और ये चैप्टर नंबर 8 है 9 की बायो का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है कि न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूट्रिएंट्स कैसे कहते हैं और कितने तरह के न्यूट्रिशन जो हैं वो हमारे पास, कितने तरह के प्रोसेस हमारे पास होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। खाने के अंदर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स समझ लें। न्यूट्रिएंट्स वो तमाम ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं या फिर सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है। तो वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, या आप कह लें कि सर्वाइव करने के लिए, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि या तो वो बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बनाने के लिए या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट है क्योंकि उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड एक न्यूट्रिएंट है क्योंकि उससे हम अपनी बॉडी की प्रोटीन्स बनाते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वो प्रोसेस के जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करें, सबसे पहले ऑब्टेन करें, हासिल करें और उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करें, कौन सी न्यूट्रिएंट्स जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन का। ना दो प्रोसेस है हमारे पास कि जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन करते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। बहुत आसान है ना। ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद बनाते हैं, अपने लिए जो फूड है वो खुद बनाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन किस चीज़ से? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वी ऑल नो अबाउट फोटोसिंथेसिस कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इन दोनों को कंबाइन किया जाता है और इसके नतीजे में ग्लूकोज बनाया जाता है। सो ग्लूकोज जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो चीज़ें मिलाई जा रही हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल को मिलाकर ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया जाता है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है जो कि मैंने अभी बताया, और दूसरा प्रोसेस होता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर इसको मिलाने के लिए लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कीमोसिंथेसिस के अंदर केमिकल से एनर्जी हासिल की जाती है फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए। बट बॉटम लाइन ये है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। ना हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे आर वेरी लेजी और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उनके पास वो मशीनरी नहीं है जिसके ज़रिए अपना खाना बनाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो रिलाय करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी वो इनसे जो खुद बना रहे हैं ये इनसे अपना खाना जो है वो लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बट वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी फूड के लिए, और वो फूड ग्रोथ के लिए भी चाहिए और एनर्जी के लिए भी चाहिए। ओके, न्यूट्रिशन ब्रांच के तौर पे न्यूट्रिशन जो है ये वो ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, बॉडी उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करती है, डाइट कैसी होनी चाहिए, हेल्थ के लिए क्या क्या डिजीज रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चीज़ की कमी की वजह से क्या क्या डिजीज होती हैं। ना इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं उनका हमने अभी पीछे दो टाइप की न्यूट्रिशन पढ़ी, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनकी न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो सेम नहीं है। अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, प्लांट्स हैं, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं, इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल का नाम देता है। ये क्लोरोफिल जो है ये इन्हें इस काबिल बनाता है कि ये बिहेव कर सकें एज ऑटोट्रॉफ्स, यानी ये अपना खाना जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सकें, जबकि एनिमल्स के पास ये नहीं होता, फंजाई के पास ये नहीं होता और कुछ बैक्टीरिया के जिनके पास ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये क्लोरोफिल नहीं होता। जब इनके पास ये नहीं होता, इट्स लाइक ये चूल्हा है, ठीक है, तो जिसके पास चूल्हा है वो अपना खाना बना सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं बना सकता। तो एनिमल्स, फंजाई और बैक्टीरिया जो है उनके पास ये चूल्हा नहीं है, तो ये डिपेंड करते हैं चूल्हे वालों के ऊपर, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि भाई प्लांट्स, इस प्लांट्स के अंदर आपके एक्चुअल प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अंदर आपके एल्जी आ जाते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, इन तमाम के पास ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है, जबकि एनिमल्स हैं, फंजाई और दूसरे बैक्टीरिया जो हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मैं बता चुका हूँ एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल रॉ मटेरियल जो है उसको मिलाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि वाटर, इनको मिलाते हैं और उसके नतीजे में वो ग्लूकोज बनाते हैं। नाउ एक टाइप की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है, इसके अलावा एल्जी के अंदर होती है, इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर होती है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, एल्जी और बैक्टीरिया इसके अंदर करते ये हैं कि रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो एनवायरनमेंट से आ रही है और वाटर है जो कि
सॉइल से आ रही है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 7 के अंदर फोटोसिंथेसिस डिटेल में। अच्छा, अब इन दोनों को मिलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो आती है सन से, लेकिन उस एनर्जी को कैप्चर करने के लिए आपको कोई ना कोई, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल ना हो तो सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, बिल्कुल इसी तरह इस सूरज की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए ये ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। तो क्लोरोफिल हेल्प करता है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके इस एनर्जी को, और फिर इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इन रॉ मटेरियल को मिलाने के लिए, और इससे फिर जो है वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये वाला प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ये एक टाइप की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये पूरी इक्वेशन है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मिलाने के लिए सनलाइट चाहिए, जिसे कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल मौजूद है, इससे बनता है ग्लूकोज, इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जिन्हें रिलीज कर दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस के अलावा एक और टाइप की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है जिसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं, जो इसके अंदर नहीं दी हुई बुक के अंदर। कुछ बैक्टीरिया जो है वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, इसके लिए इन्हें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो एनर्जी के चेंजेस आते हैं, और उस एनर्जी को वो इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए। खैर, वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है अभी ना। सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कहलाती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, बल्कि ऑप्टेन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑप्टेन करते हैं। अब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म है कौन, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म वही हैं जो अपनी फूड खुद बना रहे हैं, जिन्हें आप ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जाहिर है अगर ये प्लांट्स को खा रहे हैं तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहे हैं, तो चूंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, इन्हें कंज्यूमर्स का नाम भी देता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसके अंदर फंजाई आ जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और इसके अलावा फंजाई, नॉन ग्रीन बहुत सारे प्लांट्स होते हैं कि जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और इसके अलावा फंजाई हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको हम हाइड्रोट्रॉफ्स कहते हैं। अच्छा, अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो कंज्यूमर्स के जो हर्ब्स के ऊपर गुजारा करते हैं या दूसरे प्लांट्स के ऊपर गुजारा करते हैं, ठीक है, प्लांट्स खाने वाले, उन्हें हम हर्बीवोर्स का नाम देते हैं। वो कंज्यूमर्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स का नाम देते हैं। फिर इसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। सॉरी, प्राइमरी जो है वो तो हर्बीवोर्स होते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो आपको इन कार्निवोर्स के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, अब जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है या जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसके अंदर तो सिंपल मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लिया आपने, ठीक है। अब वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल वाला है, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो बना है वो सिंपल है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया प्लांट से, और उसके नतीजे में ग्लूकोज बनाया, C6H12O6। अच्छा, इसके मुकाबले में ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखें, बड़े मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखें, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है, यानी इसे फर्दर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलाकर अब जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे। जबकि जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो खा रहे होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ले रहे होते हैं, ठीक है। और जाहिर है, जब आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेंगे तो आपको उन्हें तोड़ना पड़ेगा। तो जितने भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वो पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं और फिर उन्हें ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए वो कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बनाते सिंपल मॉलिक्यूल हैं, फिर उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, जबकि जो हेटरोट्रॉफिक हैं, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर उसे सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ते हैं। अच्छा, जिस तरह ऑटोट्रॉफिक की फर्दर दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक के अंदर एक था फोटोसिंथेसिस और एक था कीमोसिंथेसिस। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं पैरासाइटिक, एक को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक, और एक को हम कहते हैं होलोजाइक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन है कि जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, या तो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहता है। अच्छा, जिसके ऊपर या जिसकी बॉडी के अंदर रहा जाता है, उसे होस्ट का नाम देते हैं, और जो रह रहा होता है उसे हम पैरासाइट का नाम देते हैं। तो ये पैरासाइट क्या करता है, अपने होस्ट से जो है ये फूड ऑब्टेन करता है, लेकिन वो होस्ट, याद रखना है कि वो होस्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अच्छा, ये एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन है, ये एक ऐसी टाइप का रिलेशनशिप होता है जिसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता, दूसरे को नुकसान हो रहा होता है इससे।
तो जो होस्ट है उसको नुकसान हो रहा होता है या उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, जबकि जो पैरासाइट है वो फूड ऑब्टेन कर रहा होता है। और कुछ केसेस के अंदर जो है जो पैरासाइट है वो एक्चुअली उसको डिजीज़ भी कॉज कर रहा होता है। यानी एक तो फूड का नुकसान हो रहा है उसे, उसकी बॉडी से फूड जो है वो ली जा रही है, बट दूसरा कई बार जो है वो पैरासाइट डिजीजेस कॉज करते हैं। तो ऐसे पैरासाइट जो है वो पैथोजेनिक कहलाते हैं। तो ऐसे टाइप की न्यूट्रिशन जो है ये पैरासाइट न्यूट्रिशन कहलाती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसकी बॉडी के इनसाइड रहता है और फूड ऑब्टेन करे। तो देर आर डिफरेंट पैरासाइट्स, प्लांट्स के अंदर भी पैरासाइट्स आपको मिल जाते हैं, एनिमल्स के अंदर भी पैरासाइट मिल जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर लाइक कस्क्यूटा है जिसको आकाश बेल या अमर बेल का नाम देते हैं, हुकवर्म्स हैं जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, टेप वर्म्स हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मिल जाते हैं, लीचेस हैं जो कि आपके स्किन के ऊपर से ब्लड सक कर सकती हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, कुछ बॉडी के ऊपर और कुछ बॉडी के अंदर जो है वो रहते हैं एंड अपने होस्ट से फूड ऑब्टेन करते हैं। इसके बरक्स सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर फूड ऑब्टेन तो की जाती है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बल्कि डेड ऑर्गेनिज्म से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं या तो डेड मटीरियल, डेड ऑर्गेनिज्म से, या फिर डिकेइंग जो ख़राब हो रहा होता है, सड़ रहा होता है ऑर्गेनिक मटीरियल, उससे ऑब्टेन करते हैं। होता यह है कि ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं कोई भी पार्टिकल, फॉर एग्जांपल कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, दिस इज़ अ डेड बॉडी, तो ये एंजाइम रिलीज करेंगे इसके ऊपर। एंजाइम जो है वो जाकर ये करेंगे कि इसको डिकम्पोज करना शुरू करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे, इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू करेंगे और फिर ये जो सेप्रोट्रॉफ है ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटीरियल से। तो कॉमन एग्जांपल्स के अंदर फंजाई आ जाते हैं। फंजाई के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि सेप्रोट्रॉफ्स होती हैं। ये इनकी बॉडी के अंदर हाइफे होते हैं जो कि बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये किसी भी डेड बॉडी के ऊपर बिज जाते हैं और फिर अपने जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ करते हैं और ये एंजाइम से डिकम्पोज कर देते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और अगर आपको पता हो तो इन दोनों को हम डिकम्पोजर्स का नाम भी देते हैं, यानी जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें ठिकाने लगाना जो है वो जिम्मेदारी होती है बैक्टीरिया और फंजाई की। एक और तरह की न्यूट्रिशन है जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। एनिमल्स क्या करते हैं, एक बड़ा फूड पार्टिकल जो है, एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो है उसे इंजेस्ट करते हैं, तोड़ते नहीं हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या हो रहा था कि ये पहले तोड़ रहे थे, बॉडी के बाहर तोड़ रहे थे, जबकि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि इंजेस्ट किया जाता है, यानी बॉडी के अंदर लाया जाता है, बिना तोड़े बिना डिकम्पोज किए बॉडी के अंदर लाया जाता है। अंदर लाने के बाद बॉडी के अंदर ही एक तरह का सिस्टम होता है, एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो उसे क्या करते हैं, उसे बारी बारी ब्रेक करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, वो रख ली जाती हैं, उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं, उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है बॉडी से। तो ये वाली न्यूट्रिशन जो है ये नॉन पैरासाइटिक एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर तो खाली एब्जॉर्प्शन होती है। अगर एक पैरासाइट मेरी बॉडी के अंदर रह रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी इंटेस्टाइन के अंदर एक पैरासाइट रह रहा है, एक वर्म है जो रह रहा है, तो वो तो डायरेक्टली ब्लड सक कर सकता है, वो तो डायरेक्टली जो एब्जॉर्ब फूड है वो सक कर सकता है, तो उसे इस पूरे सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो नॉन पैरासाइटिक एनिमल्स हैं जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं, जो कि किसी और पर डिपेंड, जो किसी के ऊपर पैरासाइट नहीं होते, तो उनके अंदर ये सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि हमारे अंदर भी ये सिस्टम पाया जाता है, हम खाना जो खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको फिर हम बारी बारी ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। नाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन कैसे करते हैं न्यूट्रिशन, यानी अपनी फूड जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। बुक के अंदर अमीबा का और उसका दिया हुआ है पैरामीशियम का सिंपल सा। तो अगर हम अमीबा की बात करें, किधर गया, हाँ न्यूट्रिशन, अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा हमें बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बस एक सिंगल सा सेल है। इसके अंदर वही न्यूट्रिशन होती है जिसे आप होलोजेनिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। पहले इंजेशन होती है, यानी जो फूड पार्टिकल है वो सेल के अंदर आता है, उसके बाद उसे तोड़ा जाता है, डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, और उसके बाद इजेशन होती है, यानी जो भी वेस्ट मटीरियल है, जो भी पार्टिकल है जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अमीबा फूड कैसे ऑब्टेन करता है, तो भैया ये हमारे पास अमीबा है, हाँ ये अमीबा का सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी जो है ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, और ये हमारे पास जो है ये इसकी फूड है, ठीक है, ये एक प्रोटोक्टिस्ट है। अमीबा जो है वो एक प्रोटोजोआ है, और ये उससे भी छोटा, अमीबा से भी एक छोटा जो है ये कोई प्रोटोजोआ है जिसको ये खाने लगा है।
अच्छा, अब करता क्या है अमीबा, इसके पास कोई मुंह नहीं होता, तो ये करता यह है कि अपनी जो अपना जो साइटोप्लाज्म है उसकी प्रोजेक्शंस बनाता है, फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शंस बनाता है जो कि यहाँ से बनती भी नज़र आ रही है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम सूडोपोडिया का नाम देते हैं। तो एक सूडोपोडियम यहाँ से निकलेगा उंगली की तरह और एक सूडोपोडियम यहाँ से निकलेगा और ये दोनों पीछे जाके मिल जाएंगे। तो जब ये इधर से निकलने वाला और इधर से निकलने वाला पीछे जाके मिल जाएंगे तो ये इस फूड पार्टिकल को कवर करके अंदर ले आएंगे। अब जब ये अंदर आएगा तो ये मेम्ब्रेन के कवर में होगा। अगर ये फूड पार्टिकल है तो इसके अराउंड ये जो बना हुआ है ये मेम्ब्रेन का कवर है, इसको हम नाम देते हैं वैक्यूल का। तो ये फूड वैक्यूल है कि जिसके अंदर फूड पार्टिकल आ गए। ये वाला प्रोसेस होता है जिसको आप इंजेशन का नाम देते हैं। इंजेशन के बाद ये होता है कि सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो वो लाइसोसोम जो है वो जाकर इससे चिपक जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम इससे जाकर चिपक जाएंगे और अपने जो एंजाइम है वो रिलीज कर देंगे इसके अंदर। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इन फूड पार्टिकल्स को तोड़ेंगे। ये जब मुकम्मल टूट जाएगा तो इसमें से काम की चीज़ें अब्जॉर्ब कर ली जाएंगी और जो वेस्ट मटेरियल है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन होती है अमीबा के अंदर। तो पहला स्टेप वही है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल टेक इन करता है। किस तरह से करता है, पहले इसने आइडेंटिफाई किया कि भाई फूड क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ स्मॉल सूडोपोडिया, सूडोपोडिया जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी वो फूड की तरफ लेकर जाता है। इन्हें फॉल्स फीड का नाम भी देते हैं, दीज आर प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये सूडोपोडिया जो है ये घेर लेते हैं फूड पार्टिकल को और फिर जाने नहीं देते, और फिर वो अंदर आ जाता है फूड एक बैग के अंदर जिसको हम फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। देन डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, कहाँ से, एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं, उसमें से इसे ब्रेक डाउन किया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उन्हें मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर छोड़ दिया जाता है। एक ही हमारे पास और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम जो है ये जूते की तरह का जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एक ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग के जरिए जो है ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम सीलिया का नाम देते हैं। ये सीलिया जो है ये वाटर को मूव करते हैं और इधर से भी और इधर से भी ये वाटर को पुश करते हैं इस पॉइंट की तरफ। ये एक ओरल ग्रूव है, जिस तरह हमारे पास माउथ होता है बिल्कुल इसी तरह ये ओरल ग्रूव है। यहीं से ये चीज़ें एंटर होती हैं और यहीं से वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर आता है। तो ये होता है हमारे पास पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, अमीबा का स्पेसिफिक शेप नहीं होता। इसके पास एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसे साइटोस्टोम का नाम देते हैं, वो जो ओरल ग्रूव है इसे सेल माउथ भी कहते हैं। तो जो सीलिया हैं उनकी मूवमेंट से सीलिया जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पुश करते हैं पानी को, और पानी जो है वो फूड पार्टिकल लेकर आता है और इस तरह से जो है ये फूड पार्टिकल्स अंदर जाता है। सो दिस इज इट, यहाँ तक रखते हैं फिलहाल, ये इंट्रोडक्शन हो गया और डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशन के ऊपर हमने बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होती है।